नहीं सोयरा, आप नववधु है इसलिए घूंघट डाले रही। यहाँ अकेले कमरे में भी? शुरू शुरू में हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और फिर हमें ना आपकी बड़ी बहन कोई परेशान थोड़ी ना होने देंगे, और बड़ी बहन होने के नाते आपको थोड़ा सा टोकेंगे और समझाएंगे भी। माँ साहब अभी तक नहीं आए, हम जाके देखते हैं। सोयरा बेटा, देखा आपने, सही भाई ने अभी से आपको दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। बड़ी आई, बड़ी बहन बनने वाली। अब हम उस गुस्ताख लड़के को जिंदा नहीं देख सकते। कल की सुबह उस सरकश लड़के के नसीब में नहीं होनी चाहिए। रंजना खान, हम उस बदबख्त लड़के को ऐसी खौफनाक मौत देंगे कि कोई भी मराठा हमारे खिलाफ, आदिल शाह के खिलाफ सपने में भी सर उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। चिंगारी को शोला बनने से पहले बुझा देंगे। आपने सुना नहीं रंदला खान साहब? जी आलीजा हुजूर, लेकिन अभी उस शाजी पर हमला कर दिया जाए। लेकिन याद रहे, कोई भी उस शिवाजी को नहीं मारेगा, से हम खुद अपने हाथों से मारेंगे। हुक्म की ताबील हो। जी आलीजा। सोयरा भाई, ये आपके लिए है। बहुत खूबसूरत है। अब अगली रसम है सुनमुख पकड़े, अब उसके लिए तैयार हो जाइए। इसमें क्या होता है मासा? इसमें सास अपनी बहू का चेहरा देखती है। वो तो आप अभी भी देख रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सास आईने में पहले अपनी बहू का चेहरा देखती है, फिर अपना चेहरा देखती है, फिर अपनी बहू की बाल सवारती है। इसी को कहते हैं सुनमुख पगड़े। इसका मतलब है सास ने बहू को बेटी मान लिया। समझी? चलिए सोयरा भाई, अब तैयार हो जाइए। हम इन्हें तैयार कराते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, अब ये हमारी बेटी है, सही भाई इन्हें तैयार करेंगी। आप हमारे साथ आइए। माँ साहब कहती है कि टीका जितना भरा होता है पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। सोयरा भाई,
आप बड़ी भाग्यशाली हो कि आपको सई बाई जैसी बड़ी बहन मिली है। अब सई बाई पुणे में भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ रहेगी। ताई साहब और हम तो हमेशा अलग अलग रहे और कल सुबह फिर से अलग हो जाएंगे। न जाने दोबारा कब भेंट होगी हमारी। चलिए ताई साहब, सोयरा भाई का चेहरा आईने में देखने की रस्म पूरी कीजिए। बैठिए, आइए आइए सोयरा भाई। चलिए चलिए, आप भी चलिए, बैठिए। अर्ना भाई ये सब समीप से देखना चाहती हैं। आप उन्हें वहां खड़े रहने दीजिए। चाहिए बेटी। तुका भाई आइए, आप भी तो सुन मुख देखिए। आइए चलिए, आइए। फिर वो समय आ ही गया। कल सवेरे आप पुणे जा रही हैं। आपके बिना हमें
सुना सुना लगेगा। हमें भी आपकी कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन ये त्याग तो हमें लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम आप पर सौंप रहे हैं। शिवाजी राजे अब वो शिवाजी राजे नहीं रहे जो पुणे से आए थे। अब सबकी आशाएं उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई हैं। हमें पूरा विश्वास है वो हमारा स्वराज का सपना अवश्य पूरा करेंगे, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आपके मार्गदर्शन में वो एक महान योद्धा बनेंगे। इतना ही नहीं, विश्व के नेतृत्व के गुण भी उनमें आ जाएंगे। उन्हें यह समझना होगा कि सम्मान कर्मों से मिलता है। स्वराज को हासिल करने के लिए उन्हें अपनी दोनों पत्नियों का सहयोग भी आवश्यक है, और इसके लिए उन्हें एक अच्छा पति भी बनना होगा। आई जगदम्बा जानती हैं, हमने आप में और तुकाबाई में न्याय करने का हमेशा प्रयास किया। हम मानते हैं हम आपके साथ पूरा न्याय नहीं कर सके, लेकिन एक बात याद रखना, आप हमेशा हमेशा हमारे दिल में रहें। आपने जो कुछ हमारे लिए किया, स्वराज के लिए किया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी हैं। महाराज साहेब, हमने मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। हमें गर्व है कि आपने हमें इतने बड़े दायित्व के योग्य समझा, और स्वराज का सपना पूरा करने के उद्देश्य में अपना भागीदार बनाया। आपको शिवबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं उसके साथ। हमें आप पर गर्व है रानी साहब। नसीब की जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहां जा रहे हैं आप? सरकश बाग शिवाजी का सर कलम करने जा रहे हैं। संभालिए खुद को। अब हमें उस गुस्ताख शिवाजी को सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अम्मी हुजूर, उन्हें रोक लीजिए। अम्मी हुजूर, उन्हें रोक लीजिए। किसे? सुल्तान हजरत को। वो शिवाजी को कत्ल करने निकले हैं।